पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 85,000 प्लस के पार हो गई है, जबकि इसके टोटल केसेस पूरी दुनिया भर में लगभग 1,98,954 पार कर चुके हैं, जिसमें से अब तक तकरीबन 82,789 लोगों को ट्रीटमेंट के जरिए बचाया जा चुका है। इसमें चाइना में 3,237, इटली में 2,503, ईरान में 988, स्पेन, जर्मनी, साउथ कोरिया, फ्रांस, यूएसए व इंडिया के 533, 26, 84, 175, 116 व 4 लोगों की मौत शामिल है। चाइना में इसके संक्रमण के 80,894 व इंडिया में 150 प्लस से अधिक मामलों की अब तक पुष्टि हो चुकी है। अभी तक ये वायरस किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर ही दूसरे लोगों में फैल रहा था, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने पूरी दुनिया के लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। एनटीडी के अनुसार शंघाई के अधिकारियों ने ये खुलासा किया है कि कोरोना वायरस अब हवा में मौजूद नमी में मिलकर फैलने लगा है और हवा में तैरते हुए दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर रहा है। मेडिकल भाषा में इसे एरोसोल ट्रांसमिशन कहा जाता है। शंघाई सीनियर ऑफिसर्स ब्यूरो के डिप्टी हेड के अनुसार एरोसोल ट्रांसमिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वायरस हवा में मौजूद सूक्ष्म बूंदों यानी कि ड्रोपलेट्स में मिलकर एरोसोल बनता है। वहीं चिकित्सक विशेषज्ञों की माने तो ऐसी हवा में सांस लेने की वजह से लोगों को तेजी से संक्रमण हो रहा है। विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि वो संक्रमित होने से बचने को लेकर सावधान रहें। विशेषज्ञों का तो यहाँ तक मानना है कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन के चलते संक्रमित व्यक्ति की छींक व खांसने से पास के व्यक्ति में सांस लेते ही वायरस का असर दिखना शुरू हो जाएगा। हालांकि प्रॉपर रिसर्च से ये साबित हो गया है कि संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आने के कुछ दिनों के अंदर ही इसके लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। बता दें कि सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स और अवियन इन्फ्लुएंजा भी एरोसोल के माध्यम से फैलने में सक्षम है, जो विस्तृत अवधि के लिए हवा में जीवित रह सकते हैं। अभी तक तो ये वायरस दो तरीकों से फैल रहा है। पहला, पीड़ित व्यक्ति के साथ संपर्क में आने पर इसमें संक्रमित व्यक्ति द्वारा खांसना और छींकना शामिल है। दूसरा, अगर पीड़ित व्यक्ति अपना मुंह, नाक, आंखों की झिल्लियों को हाथ लगाने के बाद किसी वस्तु को छूता है और उस वस्तु को कोई भी दूसरा व्यक्ति छू दे तो संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने से आसपास के व्यक्ति में संक्रमण पहुंचने की पुष्टि पहले से ही हो चुकी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग NHC के आधार पर वर्तमान वैज्ञानिक आंकड़ों से पता चलता है कि कोरोना वायरस किसी भी सतह पर कई घंटों या 2-3 दिनों तक जीवित रह सकता है। कोरोना वायरस विषाणु का एक बड़ा समूह है, लेकिन इसमें से केवल 6 विषाणु ही लोगों को संक्रमित करते हैं। इसके सामान्य प्रभावों के चलते सर्दी जुखाम होता है और सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स एक ऐसा वायरस है जिसके प्रकोप से 2002 और 2003 में चीन और हांगकांग में करीब 650 लोगों की जानें गई थी। WHO ने पहले ही दी थी चेतावनी कि कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर सतर्क रहें दुनिया के तमाम देश। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के वायरस के संक्रमण को चाइना से बाहर के देशों में फैलने को लेकर पहले ही अन्य देशों को आगाह किया था। दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी लोग इस महामारी से निपटने में लगे हैं और जल्द से जल्द वैक्सीन का आविष्कार करना चाहते हैं। ऐसे कुछ मामलों का पता चलना अन्य देशों में इसके व्यापक प्रसार की ओर इशारा करता है। यदि संक्षेप में कहा जाए तो ये संभावना केवल शुरुआत है। उन्होंने कहा कि इस आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए सभी देशों को तैयार रहना चाहिए और इसके पहुंचते ही इसको काबू करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। इसी के मद्देनजर दुनिया भर के तमाम स्कूल, कॉलेज, मॉल्स, सिनेमा घरों को अगले 20 से 25 दिनों के लिए बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस से जूझ रही चीनी सरकार व WHO ने लोगों से अपील की है कि एक जगह इकट्ठा होने से बचें और अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें। साथ ही सरकार ने लोगों से कहा है कि कुछ समय तक मास्क का प्रयोग खाने में बंद कर दें और हरी सब्जियों से ही अपना पेट भरें। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर WHO ने कहा कि इसके लिए किसी भी प्रकार की मेडिसिन
या वैक्सीनेशन फिलहाल उपलब्ध नहीं है। केवल कुछ तरीके अपनाकर ही इसका बचाव किया जा सकता है। यूएसए की माने तो वो कोविड-19 वैक्सीनेशन का पहला ट्रायल करने जा रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष व सेंट्रल काउंसलिंग फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी ने बताया कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के संक्रमण से बचाव के लिए होम्योपैथी चिकित्सा में अर्सेनिक एल्बम 30 होम्योपैथी मेडिसिन की 4 गोली दिन में एक बार खाली पेट 3 दिन तक ले सकते हैं। इससे कोरोना वायरस के संक्रमण से काफी हद तक बचा जा सकता है। पर हमारा ये मानना है कि यदि आपको किसी भी प्रकार की हेल्थ इश्यूज आती हैं, तो कृपया आप अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें, खुद से खुद का उपचार करने की ना सोचें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।